मेरा दिल फट जाता है। मेरे बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और जब मैं शाम को जाता हूँ, जैसे आज मैं कराची आया हुआ हूँ, जब अगर मैं शाम को जाऊँगा तो मेरे बच्चे मुझसे ये नहीं कहेंगे बाबा हमारे लिए आप चीज़ें लेकर आएँ, वो ये कहते हैं बाबा हमें यानी आप ही को नहीं लेकर आया, हम मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं अपने रोज़गार पर कैसे जाऊँ। आप ही के लिए आप दुआ करती हैं, तो वह हाथ उठाकर दुआ करती है, आप अंदाज़ा लगाएं, वो बच्चे मुझसे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए आटा रोटी घी चीनी लाएँ। मैं आज 2 महीने हो गए मैं बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ। जी मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। देखें, 2 जो बड़े केसेस हम कवर करते आ रहे हैं, एक तो केस जो है वो दुआ ज़हरा का है, लेकिन दूसरा केस जो है वो उम्मे हानी का केस है। उम्मे हानी के केस और दुआ ज़हरा का केस में कोई फ़र्क नहीं है। उनकी उम्र जब उनके वालिद के मुताबिक, मेहदी काज़मी के मुताबिक कम है, तो वही उम्र जो है कम सन उम्र की उम्मे हानी भी है, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन ताहाल जो है मुबैना तौर पर मुहविया बाजियाब नहीं हो सकी है। हम मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं कि उनके वालिद का मौक़िफ़ जो है आपके सामने रखें, ताकि तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ सकें। अभी इस वक्त नासिर साहब जो कि उम्मे हानी के वालिद हैं, देखें ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये मिडिल क्लास भी नहीं, ये इंतहाई गरीब हैं, ये ठेला लगाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, और इनकी दूसरी बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो पूरा घर सिर्फ ये एक शख्स चलाते हैं। अब ये केस में केस की पैरवी करें, अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद करें, एक जगह से दूसरे जगह धक्के खाएं, कराची हैदराबाद जाएं या अपना घर चलाएं, ये एक बहुत से सवालिया निशान है हमारे उन इदारों के लिए, जिनको जवाब देना है कि आखिर ऐसे शख्स इस उम्र में धक्के क्यों खा रहे हैं जिनको आराम की ज़रूरत होती है। खैर, ये तो एक एहसास की बात होते हैं, जज्बात की बात होती है, लेकिन हम बात करेंगे कानून की, और अपनी राय भी नहीं देंगे और अपना मौक़िफ़ भी नहीं देखेंगे। जो भी आज मौक़िफ़ होगा वो उम्मे हानी के वालिद का होगा। सर बहुत शुक्रिया, ये बताएँ कि अभी तक केस आपका कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग जो है मेरे हमदर्द बने हुए और मेरी आवाज़ को जो है हुक्मरानों तक, अदलिया तक और जो है दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, कि मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूं कि मुझ जैसे गरीब एक फ्रूट के ठेला लगाने वाले की औकात नहीं थी, क्योंकि मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत नवाजिश की, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। केस की नौयत यह है कि जिस तरीके से पुलिस ने नाइंसाफ़ी कर कर मेरे केस को इस तरह से दबा दिया गया था, इस तरीके से दफन कर दिया गया था कि वकील साहब कह रहे थे कि आपका केस तो ऐसा है कि जैसे कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और उसके ऊपर एक ट्रक पूरे का पूरा मिट्टी का डाल दिया जाए, इस तरीके से दफना दिया आपके केस को। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, बहनों की, भाइयों की और मेरे मुखलिस दोस्तों की दुआओं से अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है कोर्ट का वो लेटर, जिसकी कॉपी मेरे पास है, मौजूद है, कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि जज साहब ने जो है उसकी तफ्तीश के लिए दोबारा जो है वो ऑर्डर कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी तफ्तीश कर, इसकी इंक्वायरी कर और इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। और जो है 5 अगस्त को तारीख दी गई है जिसके अंदर कोर्ट के अंदर मुझे पेश होना है अपनी बच्ची के हवाले से। अच्छा, ये भी बताएँ कि इन दौरान आपकी बच्ची की आपके साथ आपके हिसाब से कोई मुलाकात हुई, कोई राबता हुआ? नहीं, अगर रابطہ और मुलाकात हो जाती तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती कि मैं फिर ये कि कोई रास्ता मुतमईन वाला हो जाता कि मेरी बच्ची जो है कम से कम मुझे रابطے में तो आई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची को कभी फ़रोख्त ना कर दिया हो या कहीं धंधे पे ना लगा दिया हो, क्योंकि अगर वो अच्छे लोग होते तो जब आप देखें ना कि जो लोग 21 तारीख को अगवा किया है और 24 तारीख को निकाह किया है, तो 21 से 24 तारीख के दरमियान के अंदर 3 दिन तक उन्होंने किस मद में रखा मेरी बच्ची को? उन्होंने तो निकाह जब पेश किया, जब उन्हें पता चला कि हमारी FIR हो गई है, तो FIR पे उन्होंने देखा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा ऊपर बहुत कानूनी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, तो उन्होंने फिर रात को 10:30 बजे निकाहनामा पेश किया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि, और उसके बाद फिर निकाहनामा पेश करने के बाद जो निकाहनामा थाने पर देकर गया है, तो क्या पुलिस वालों ने उसको नहीं पकड़ा? वो 1 महीने 6 दिन तक वो जो निकाहनामा देकर थाने पे गया है रात को 10:30 बजे तक, वो 1 महीने 6 दिन तक वो गायब रहे, और 1 महीने 6 दिन के बाद जो है वो फिर कराची आकर उन्होंने हाई कोर्ट में मेरे ही खिलाफ़ केस कर दिया जी। अच्छा, वैसे बहुत से लोग जो है ना मुख्तलिफ मौक़िफ़ देते हैं, मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं कि अगर लड़की आपकी चली गई है तो आप जो है उनकी शादी करवा लें, ये करा लें। क्या वो जो ख़ानदान है जिसने अगवा किया आपकी बेटी को, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, कोई पता है आपको, या वो कभी आपके घर आए रिश्ता के लिए? बात यह कि रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली अगर आप, मैं तो बार बार सब कॉन्फ्रेंस में भी और तकरीबन मीडिया पर भी और पूरी दुनिया के अंदर ये चीख चीख कर कह रहा हूँ
कि वो हमारे इलाके के से काफ़ी दूर का इलाका है, कि तकरीबन 7-8, 6-7 किलोमीटर का दूर का इलाका है। और जो है वहाँ पर हम लोग जब लोकेशन आई और जब पता चला और जैसे, तो जब हम लोग वहाँ के इलाके के लोगों के पास गए तो उनके इलाके के लोग, और फिर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास वो ऑडियो मौजूद है, जो लड़का आफ्ताब है उसका चचा साथ भाई है, उसकी बीवी की रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास कि आपकी बेटी का सौदा हो चुका है पठानों के साथ या किसी लोगों के साथ जो क्राइम करते हैं, उन लोगों के साथ सौदा हो चुका है, आप अपनी बच्ची को जाकर बचाएं, ये मेरे पास ऑडियो मौजूद है, वक्त आने पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता हूँ मैं जब चाहें आप। मतलब आपकी बेटी इस वक्त अगवाकारों के हाथ में है और उनका धंधा आपके मुताबिक ये है कि वो आगे लड़कियाँ फरोख्त करते हैं? जी बिल्कुल, वो पूरी की पूरी एक बस्ती है, आप मालूमात करें उस इलाके के अंदर, पाकोलो का इलाका है, और वहाँ पर जाकर आप मालूम करें, वो मंशियात का और दूसरे जुए का और बहुत सारे वो कारोबार करते हैं, आप देखें तो सही। आप बात कर रही है आपने बिल्कुल कि कोई होता है सामने वाला, अगर कोई बच्ची चली जाती है तो वो कंप्रोमाइज़ वाली बात करता है, तो बात ये है कि देखें वो भी एक इंसानियत का नाता है, मुसलमान भाई हैं, लेकिन मेरी बच्ची नाबालिग है, 6th क्लास में पढ़ती है, उसकी एज जो है 12 साल है। और फिर दूसरी बात ये कि इंसान अगर किसी को अपनी बच्ची देता है तो कम से कम ये चीज़ें, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नोट करता है और बिल्कुल वो सामने रखता है। एक तो इज़्ज़तदार आदमी होना, दूसरा ये कि हलाल रोज़ी कमाने वाला हो भले एक मज़दूर हो, दूसरा ये कि एक मामलात के अंदर उनका असर सूख हो, कि महल्ले के लोग ये कहते हों कि भाई ये अच्छे लोग हैं, तो ऐसी बात उनके अंदर नहीं है। आप मालूमात करें, मेरे बैक साइड से मीडिया है, लाजमी बात नहीं है कि मुझ पर ही भरोसा करें, मैं जो आप लोगों को चीख चीख कर कह रहा हूँ, बार बार ये बात की ताकीद कर रहा हूँ कि आप जाएँ मालूमात करें, अगर आपको वहाँ से अगर 100 लोग मिलेंगे तो 98% लोग आपको ये कहेंगे कि इन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये लोग इसी तरीके का धंधा और कारोबार करते हैं और ये मशहूर हैं इस लोग। अच्छा, आप ठेला चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 कमाते होंगे, इतना किराया, ये वो मुश्किलात तो दरपेश आती होंगी आपको? मैं आपसे क्या बताऊँ इस बात को कि मेरा दिल फट जाता है, मेरे बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और जब मैं शाम को जाता हूँ, जैसे आज मैं कराची आया हुआ हूँ, तो जब अगर मैं शाम को जाऊँगा तो मेरे बच्चे मुझसे ये नहीं कहेंगे बाबा हमारे लिए आप चीज़ें लेकर आएँ, वो ये कहते हैं बाबा हमें यानी आप ही को नहीं लेकर आया, हम मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं अपने रोज़गार पर कैसे जाऊँ? अल्लाह जानता है मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं अपनी मेहनत की हलाल की रोज़ी मैंने कभी मेरे बच्चों को कभी आराम नहीं खिलाया, कभी किसी से मांग कर नहीं खिलाया, मगर मैं इस बात से सोचता हूँ कि मेरी छोटी सी बच्ची है, आप मैंने आपको एक वीडियो कल बनाकर शेयर की है मीडिया के साथियों से, आप उसको शेयर करके देखें, एक छोटी सी बच्ची है, वो कह रही है हमें आप ही कहाँ हैं, उससे मालूम कर रहे हैं, तो वो कहती है सुई लगाने गई है, सुई आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उसे कहता हूँ हमें आप ही के लिए आप दुआ करती हैं, तो वह हाथ उठाकर दुआ करती है, आप अंदाज़ा लगाएं, वो बच्चे मुझसे ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए आटा रोटी घी चीनी लाएं। मैं आज 2 महीने हो गए मैं बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ, अल्लाह जानता है कि मेरे बच्चे मुझसे रोटी नहीं मांग रहे, वो मुझसे कह रहे हैं हमें आप ही को लेकर आएं, आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं वो उन बच्चों को देखूँ जिनके लिए मैं रोटी लेने के लिए, रोज़ी करने के लिए जाऊँ, या मैं उस बच्ची को उन दरिंदों के हवाले कर दूँ जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है कि वो उस बच्ची के साथ क्या जुल्म कर रहे होंगे। अल्लाह आपको सब्र दे। बिल्कुल, जिस कर्ब से नासिर भाई गुज़र रहे हैं उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। ये आंसू उन हुक्मरानों के लिए, उन इदारों के लिए सवालिया निशान है कि आपकी कारकर्दगी क्या है कि एक बाप अपनी बेटी की बाज़याबी के लिए कभी हैदराबाद, कभी कराची, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर घूम रहा है और ये चीख चीख के ये कह रहा है कि उनकी बेटी की उम्र 12 साल है, लेकिन फिर भी अब पुलिस ने C-क्लास रिपोर्ट करके अदालत में पेश किया, और C-क्लास का मतलब ये है कि केस ख़त्म करके उन्होंने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। लिहाजा 5 तारीख यानी कि 5 अगस्त को अदालत ने पुलिस से पेशरफ रिपोर्ट तलब की है। अब देखना यह है कि पुलिस जो है क्या कारकर्दगी दिखाकर पेशरफ रिपोर्ट पेश करती है या नहीं करती, इस मुतल्लिक हम तमाम तफसीलात जो हैं आपके सामने रखेंगे, और हमारी भी यही कोशिश है कि जो असल हकीकतें हैं वो आपके सामने लाएँ। बहुत शुक्रिया।